गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम एक नया पार्ट ऑफ द चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें कि हम एस्टिमेशन के बारे में पढ़ेंगे। एस्टिमेशन क्या होता है? अंदाज़ा। लाइक आई टेल यू कि मैंने एक स्टेडियम में गई थी जहाँ पे अबाउट देयर वर 10,000 पीपल। अब मैंने लोगों को जाके काउंट नहीं किया है, मैंने अंदाजे से बताया है कि वहाँ पे 10,000 लोग थे। तो सिमिलरली ऐसे ही हम सम सॉल्व करेंगे एंड ये हम नियरेस्ट नंबर्स को जो राउंड ऑफ करेंगे, एस्टिमेट करेंगे नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स के फॉर्म में अलग अलग टाइप के सम सॉल्व करेंगे। सो नाउ इन दिस केस, फर्स्ट क्वेश्चन में हम नियरेस्ट टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसमें हम तीन स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम वंस प्लेस वाला डिजिट देखेंगे। ये वंस है और ये टेंस है। वंस प्लेस वाला डिजिट यहाँ पे क्या है? 7। अगर यहाँ वाला नंबर लेस देन 5 होता है तो हम रिप्लेस कर देंगे इसको 0 से और बाकी नंबर सेम रखेंगे। लेकिन दिस इज मोर देन 5 तो हम इसको 0 लिखेंगे और ये टेंस प्लेस वाले नंबर को 1 से बढ़ा देंगे, मतलब 7+1 दैट इज 8। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 80। नाउ हमने ये देखा कि यहाँ पे 7 था, यहाँ पे अगर हमें देखना है तो हम 5 देखेंगे। अभी 5 ना ही 0 के पास है ना ही 10 के पास है, इट इज़ इन बिटवीन। तो हम इस केस में क्या करते हैं, 5 के केस में हमेशा हम नेक्स्ट वाले नंबर के पास कंसिडर करते हैं। तो दिस विल बी, इसको हम 0 लिखेंगे, यहाँ पे हम +1 कर देंगे। तो 0+1 क्या आता है? 1, 2 एंड ये नंबर्स रिमेन द सेम। सो इन दिस केस आर आंसर इज 1210। नाउ इन द नेक्स्ट केस अगेन हम ये नंबर देखते हैं तो ये नंबर ज़्यादा है टूवर्ड्स 10। दैट मीन्स कि हम इसको यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे +1 करेंगे, दैट मीन्स 10 एक कैरी होता है तो एक और 0। तो ऐसे हम टेंस प्लेस वाले सम सॉल्व करेंगे। नाउ कमिंग टू हंड्रेड्स प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस में हम टेंस वाली प्लेस वाला नंबर देखते हैं। यहाँ पे 6 है जो कि ज़्यादा पास है 10 की तरफ को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 0 लगाएंगे, इसको +1 कर देंगे। +1 किया तो यहाँ पे 10 होगा विच मीन्स कैरी 1, तो ये 4 हो जाएगा एंड दिस बिकम्स आर आंसर। सिमिलरली इन दिस केस हम टेंस प्लेस देखेंगे, ये 0 लिखेंगे यहाँ पे अगले वाले में +1, तो दिस बिकम्स 5+1 दैट इज 6 और बाकी सारे नंबर्स सेम रहेंगे। अब यहाँ पे हमें नियरेस्ट थाउजेंड्स में करना है। थाउजेंड्स के लिए हम किसको देखेंगे? हंड्रेड्स वाला प्लेस। यहाँ पे 5 है, ये 0, यहाँ पे +1 कर देंगे एंड दिस बिकम्स नाउ 7+1 बिकम्स 8 और ये रहेगा सेम। इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो नियरेस्ट थाउजेंड्स है तो हम हंड्रेड्स प्लेस वाला देखेंगे, ये सब 0 हो जाएगा, ये बड़ा है दैट मीन्स ये हम +1 कर देंगे। +1 9+1 मतलब 10, कैरी 1, ये 1 हो जाएगा एंड दिस इज आर आंसर। नेक्स्ट टाइप ऑफ सम में हमें एक बारी नियरेस्ट हंड्रेड्स में कन्वर्ट करना है, एक बारी नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, यहाँ पे एडिशन है। तो विदाउट दिस इट इज 439+334+4317। लेकिन हमें ऐसे डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं करना है। पहले केस में हमें नियरेस्ट हंड्रेड्स तक लाना है। नियरेस्ट हंड्रेड्स मतलब यहाँ पे हम देखेंगे टेंस प्लेस, ये कम है 5 से तो हम सिर्फ ये 0 0 लिख देंगे और 4 रिमेन्स द सेम। अगेन ये वाला नंबर कम है 5 से, ये 0 लिखेंगे एंड दिस रिमेन्स द सेम। इन दिस केस हम अगेन हंड्रेड्स प्लेस है तो फिर हम टेंस को देखेंगे, ये 5 से कम है तो यहाँ पे हम 0 0 करेंगे, बाकी नंबर्स सेम रहेंगे।
अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड ऑल ऑफ दीज टुगेदर, तो आर आंसर कम्स एज 10, 5,000. अभी हमें यही चीज़ में नियरेस्ट टेंस तक लाना है, तो हम ये वाला नंबर देखेंगे. तो यहाँ पे 9 है, पहले तो 0 लिख देंगे और इधर हम +1 कर देंगे, 3 + 1 इज 4. बाकी जो दूसरा नंबर है वो सेम रहेगा. अगेन यहाँ पे हम 4 दिख रहा है जो कि 5 से कम है, यहाँ 0 रहेगा, कुछ ऐड नहीं करेंगे, द नंबर रिमेन्स द सेम. इस केस में हम 7 देखेंगे, 5 से ज़्यादा है 0, यहाँ पे +1 करेंगे 2, बाकी नंबर्स सेम रहेंगे. और अब हम इन सबको ऐड कर देंगे, ऐड करके आर आंसर कम्स एज 09, 05. सिमिलरली इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड नियरेस्ट टेंस के फॉर्म में लिखना है. एंड ओरिजिनली ये है नंबर्स 348 - 48365, लेकिन हमें ये नहीं निकालना है, पहले वी विल कन्वर्ट. नाउ कन्वर्टिंग दिस टू नियरेस्ट हंड्रेड्स के लिए हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं ये है 5 से छोटा, दैट मीन्स ये 2 जीरो लगाएंगे, बाकी द नंबर रिमेन्स द सेम 4893. यहाँ पे ये बड़ा है 5 से, दैट मीन्स हम हंड्रेड्स वाली प्लेस में +1 कर देंगे, तो +1 करके हो जाता है 4, बाकी नंबर्स रिमेन द सेम. नाउ व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दिस इट कम्स एज 9044. सिमिलरली इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो नियरेस्ट टेंस, टेंस में हम यूनिट्स प्लेस देखते हैं, दिस इज ग्रेटर देन 5, दैट मीन्स हम +1 करेंगे, यहाँ पे +1 हो जाएगा, 4 + 1 इज 5, बाकी सारे नंबर्स सेम तरीके से हम लिख देंगे. यहाँ पे है 5, 5 में हम हमेशा बड़ा वाला कंसिडर करते हैं, दैट मीन्स वी विल डू इट यहाँ पे +1, +1 करके ये हो जाता है 6 + 1 इज 7, 3, 8, 4. व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दिस इट कम्स एज 0, 8, 9, 0, 4, 4. तो हंड्रेड्स के केस में, नियरेस्ट हंड्रेड्स के केस में दिस इज आर आंसर, एंड टेंस के केस में ये हमारा आंसर है. अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. इसमें हमें करना है एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट ग्रेटेस्ट प्लेस. अभी हमें ये कैलकुलेट करना है और नियरेस्ट ग्रेटेस्ट प्लेस, यहाँ पे ऐसे पहले हमें बताया था कि नियरेस्ट टेंस प्लेस, नियरेस्ट थाउजेंड्स प्लेस या नियरेस्ट हंड्रेड्स प्लेस. इसमें हमें बोला है कि जो ग्रेटेस्ट प्लेस होगी, तो ग्रेटेस्ट प्लेस पहले हम 5290 लेंगे. इसकी ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है, सबसे बड़ी प्लेस विल बी 1s, 10s, 100s, 1000s. दैट मीन्स हमें थाउजेंड्स तक का इसका एस्टिमेट निकालना है. तो थाउजेंड्स का एस्टिमेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम हंड्रेड्स की प्लेस वाला नंबर देखते हैं. यहाँ पे हंड्रेड्स की प्लेस में क्या है, 2 है, तो उससे पहले वाले नंबर्स में तो हम ऑटोमेटिकली 0 लिख देंगे. 2 इज लेस देन 5, अगर 5 से छोटा होता है तो हम इसको यहाँ पे 0 कंसिडर करते हैं और 5 रिमेन्स द सेम. ऐसे ही जो दूसरा नंबर है, दैट इज 17986, इसकी पहले हम ग्रेटेस्ट प्लेस फाइंड आउट करेंगे, मतलब सबसे बड़ी 1s, 10s, 100s, 1000s, 10000s. तो यहाँ पे 10000 हो गई ग्रेटेस्ट प्लेस. अब हमने इससे पहले 10000 वाली ग्रेटेस्ट प्लेस का सम नहीं किया है, दिस इज द फर्स्ट वन, तो कुछ डिफरेंस नहीं है. वैसे ही हम एक स्मॉलर प्लेस को लेते हैं, यहाँ पे 7 है, दैट मीन्स इससे पहले वाली
प्लेसेस में हमें जीरो लिखना है, सेवन है विच मीन्स हम नेक्स्ट में प्लस वन कर देंगे, एंड थाउजेंड्स की प्लेस में भी जीरो आएगा. अभी यहाँ पे वन पे प्लस वन कर देंगे तो क्या आएगा, इट कम्स एज टू. यहाँ पे हमें इन दोनों को ऐड करना है, सो व्हेन वी ऐड दिस हमारा आंसर आता है 25,000. तो दिस इज आवर आंसर फॉर दिस. सिमिलरली हमें इस क्वेश्चन में भी करना है, तो फर्स्ट नंबर क्या है 28292, इसकी ग्रेटेस्ट प्लेस अगेन हम देखते हैं तो 10,000 होगी. एंड इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो वील सी दिस नंबर. तो पहले तो हम फोर जीरोज लगा देंगे, दिस इज ग्रेटर देन फाइव, दैट मीन्स हम यहाँ पे प्लस वन करेंगे. टू प्लस वन कितना होता है, थ्री. एंड अदर नंबर इज 21496, इसकी ग्रेटेस्ट प्लेस रिमेन्स द सेम, दैट इज 10,000. मतलब हम अगेन यहाँ पे 1,000 की प्लेस, यहाँ वाली प्लेस तक जीरो लगाएंगे. दिस इज लेस देन फाइव, दैट मीन्स हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, ये नंबर सेम ऐसे ही लिख देंगे. यहाँ पे क्या करना है, हमें माइनस करना है. इनको जब हम माइनस करते हैं तो द आंसर कम्स एज 10,000, ये हमारा आंसर है. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं टू राउंडिंग ऑफ टू इट्स फैक्टर्स नियरेस्ट टू दी ग्रेटेस्ट नंबर. फैक्टर्स मतलब ये नंबर और ये नंबर. अगेन हमें इसके 9650 का ग्रेटेस्ट प्लेसेस 1,000s, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. तो हम बाकी यहां के लिए तो जीरो कर देंगे एंड वी विल सी कि यहाँ पे कौन सा नंबर है इन हंड्रेड्स प्लेस. दिस इज सिक्स, मतलब कि ये फाइव से बड़ा है, तो यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा. तो दिस बिकम्स 10,000 बिकॉज 9 + 1 इज 10. सिमिलरली 27 के लिए ग्रेटेस्ट प्लेसेस की क्या होगी, यहाँ पे सिर्फ दो हैं, दैट इज वंस एंड टेंस. इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, टेंस. यहाँ के लिए हम यूनिट्स प्लेस देखते हैं, तो यूनिट प्लेस में ऑटोमेटिकली हम जीरो कर देंगे एंड ये है फाइव से बड़ा, विच मीन्स हम प्लस वन करेंगे. टू प्लस वन इज थ्री. अब हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. टेन थ्री ज सॉरी थ्री वन जो थ्री और बाकी के जीरोस ऐसे ही हम लिख सकते हैं. तो दिस इज आवर आंसर, दैट इज 3 lakhs. अगेन यहाँ पे एस्टिमेट द प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई करना है बाय राउंडिंग ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर्स टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स प्लेस. मतलब फैक्टर्स ये दोनों नंबर्स हैं, इनको हंड्रेड्स प्लेस तक हमें राउंड ऑफ करना है और मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है. पहले हम 1387 को राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स प्लेस. अगर हमें नियरेस्ट हंड्रेड्स प्लेस तक राउंड ऑफ करना होता है तो हम टेंस वाली प्लेस देखते हैं. तो इधर हम लिख देंगे ज़ीरो फॉर यूनिट्स एंड टेंस एंड ये फाइव से बड़ा है, तो हम इस वाली प्लेस में प्लस वन करेंगे. क्या हो जाएगा, इट बिकम्स फोर एंड वन रिमेन्स द सेम. अगेन यहाँ पे हम ये वाला देखेंगे, ऑटोमेटिकली इन दोनों प्लेसेस के लिए ज़ीरो, ये फाइव से बड़ा है तो यहाँ पे प्लस वन. एट प्लस वन इज नाइन. अभी हमें बताया है कि इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. नाउ 14 × 9 इज 126 और यहाँ पे कितने जीरोज हैं, 1, 2, 3, 4. तो दिस विल बी आवर आंसर. सो स्टूडेंट्स विद दिस हमने अपना 1.4 एक्सरसाइज फिनिश किया है एंड इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क मी. थैंक यू.